उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्न में किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी चौधरी चरण सिंह। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी 5 चरण के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं, तो अक्टूबर के 30 तारीख से ही पेपर की स्टार्टिंग हो जाएगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया? उत्तराखंड में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भारत का पहला महिला न्यायालय की स्थापना किया गया हुआ है? तीसरा का राइट ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2016 में होने वाले दक्षिण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो पाकिस्तान करेगा। 4 का डी ऑप्शन राइट है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो सार्क है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। विश्व की आबादी के लगभग 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल थे। तो ये शामिल स्थापित सदस्यों में थे। अफगानिस्तान 2007 में इस संगठन में शामिल हुआ। तो इससे पहले थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, लेकिन 2007 में पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। सार्क की असफलता के कारण देख लीजिए तो दक्षिण एशियाई विश्व का सबसे असंगठित क्षेत्र है। सार्क देशों के बीच आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का मात्र 5% है। वर्ष 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जो समझौता था, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साप्टा, वो भी समझौता वास्तविक में सफल नहीं रहा। सार्क समूह की अंतिम पिछली बैठक वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क के 19वें समारोह को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से सार्क के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। हाल के वर्षों में बिम्सटेक जो है, भारत की बढ़ती गतिविधियों के बाद सार्क के भविष्य प्रश्न उठने लगा है। विशेषज्ञ के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष इस समूह की असफलता का एक बड़ा कारण है। भारत के लिए ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ समान व्यापार को बढ़ावा देना बहुत कठिन है। जब यह सर्वविदित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, जबकि पाकिस्तान समूह उन सभी प्रस्तावों का विरोध करता है जिसमें उसे भारत का थोड़ा भी लाभ दिखाई देता हो। तो कोविड-19 महामारी और सार्क देश, लगभग सभी सार्क देशों की एक बड़ी आबादी निम्न आय वर्ग से ही आती है। ज़्यादातर मामले में इन समूहों तक पर्याप्त जो है सुविधा भी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंच नहीं हैं, और भारत की सभी सीमाएं भी खुली हैं नेपाल के साथ, चाहे वो देखा जाए लंका उनका के साथ। इसी मुद्दे को लेकर के इन 3-4 देशों के बीच बैठक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक अनुसंधान में किसकी योग्यता को दर्शाता है? तो क्वेश्चन 5 है, बी, नए सिद्धांत की स्थापना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर शास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? तो 6 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शोध क्षेत्र के विषय में विशेष की निर्भरता को कम करना। शोध क्षेत्र में विशेष की निर्भरता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 7, एक सतत तथा एक द्विभाजीकृत चर में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है? तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रमांतर विधि। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉलेजों का कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? तो 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संघात्मक विश्वविद्यालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंकों के वितरण में प्राप्तांक में से नियत संख्या निकाल दी जाए तो क्या प्रभावित होती है? तो 9 का राइट ऑप्शन डी, यानी मानक प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, अंकों के वितरण में प्राप्तांक से नियत संख्या निकाल दी जाए तो मानक विचलन प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन के अंतिम नंबर क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं आपके पोस्ट ऑफिस कोड को। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस IP सिस्टम की शुरुआत की गई किस देश से की गई है? तो ये 11 का राइट ऑप्शन डी, यानी अमेरिका से की गई है। पोस्ट जो अमेरिका से IP सिस्टम की शुरुआत की गई, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने सर्वप्रथम पिन कोड प्रणाली आरंभ की थी? तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जर्मनी से किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान के में जो कूट होगा उसको दर्ज करना है। तो इसका पहले देखते हैं, जो बोंडला वन जीव अभ्यारण्य है ये चला जाएगा आपका 1 पे, यानी उड़ीसा है। बोंडला वन जीव अभ्यारण्य 1 पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर इसका बी जो ऑप्शन है ये चला जाएगा 4 पे, नागल होल राष्ट्रीय वन, ये कर्नाटक में। कुगाती वन जीव अभ्यारण ये चला जाएगा हिमाचल में, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण ये चला जाएगा हरियाणा में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो मिलान होगा ये आ जाएगा राइट ऑप्शन डी, यानी 1-4-3-2 1-4-3-2 1 पे हो जाएगा आपका
उड़ीसा में ही है बोंडला मंजू, फिर आ जाएगा 4 नागरहोल वाला कर्नाटक में है, फिर हो जाएगा 3 यानी कुगाती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो इसके राइट टिक जो हो जाएंगे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय वन्यजीव प्राणी जातियों को मिलान करना है यहाँ पे, तो ये 14 का जो मिलान होने के बाद ऑप्शन दर्ज किया जाएगा जिसमें एशियाई जंगली गदहा, ये किस में चला जाएगा जंगली गदहा आपका 21 हेमी ओनस यानी कि ऑप्शन 3 पे, फिर इसके बाद 12 सिंघा जो चला जाएगा आपका सर्वस टुआउ शैली में, चिंकारा आपका चला जाएगा गजेला में, और नील गाय एक भी चला जाएगा यानी बोस्मा फल टेग्रा केमेल्स, ये भारतीय वन्यजीव प्राणियों के वैज्ञानिक नाम हैं, जिसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का चला जाएगा 3 पे, बी का चला जाएगा 2 पे, सी का चला जाएगा 4 पे, सी वाला चिंकारा गजेला ये वैज्ञानिक नाम है 4 पे, और टी का 1 पे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है इजतमा त्यौहार यानी मेला मनाया जाता है, तो 15 का राइट ऑप्शन बी ये भोपाल में मनाया जाता है त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत को किस बीमारी से मुक्त राष्ट्र घोषित कर रहा है, तो 16 का ए है पोलियो से घोषित कर रहा है, पोलियो से। क्वेश्चन नंबर 17 है यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो इनके जो पूजा स्थल है वो कहलाते हैं सिनेगॉग, जो यहूदियों के पूजा स्थल है उन्हें सिनेगॉग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई है, 18 का बी यानी फ्रांस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो 19 का सी महानदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, तो 20 का राइट ऑप्शन ए भागीरथी नदी पे, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है तो भागीरथी नदी पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ मिलान करना है, 21 का जो मिलान होगा तो हीराकुंड परियोजना ये चला जाएगा 2 पे यानी उड़ीसा में है, फिर इसके बाद हल्दिया रिफाइनरी ये चला जाएगा पश्चिम बंगाल में, तारा परमाणु ये महाराष्ट्र में, और कुद्रीमुख जो है कर्नाटक का है, यानी 2143 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में कृषि को समझा जाता है, तो कृषि को यहाँ क्या समझा जाता है भारत में जीविकोपार्जन का साधन। क्वेश्चन नंबर 23 है संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके कुछ हिस्से इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, यही संविधान के मूल ढांचा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी नीति निदेशक को सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, 24 का ए है ग्राम पंचायत की जो स्थापना है इसी को क्या माना जाता है समाजवादी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया, 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जैसे पर्यावरण को संरक्षण देना, उसे सुधारने का प्रयास करना, जंगलों व वन्यजीव की रक्षा करना, व्यक्तियों द्वारा समूह के बीच आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, उद्योग के प्रबंधीकरण में काम करने वाले को भाग लेने का अधिकार देना, ये सभी ऑप्शन हैं इसी जो संविधान के संशोधन के बाद सम्मिलित हुए हैं नीति निदेशक। तो निम्नलिखित में कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था, बाद में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया, तो यही है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन उनके कार्यकाल का सही अनुक्रमांक है, तो ये हो जाएगा एक पहले यानी सबसे पहले वीवी गिरी, फिर जीएस पाठक, इसके बाद बीडी जत्ती, फिर एम हिदायतुल्ला यानी ऑप्शन जो 26 का राइट हो जाएगा एक, फिर 4, फिर 3, फिर 2, वीवी गिरी, जीएस पाठक, विजय दत्ती, एन हिमायतुल्ला यानी अंतिम में। क्वेश्चन नंबर 27 है राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा का अस्थायी सदन किसे कहते हैं, तो 27 का भी यानी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, क्यों कहते हैं राज्यसभा को अस्थायी सदन, इसे विघटित नहीं किया जा सकता इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना निम्नलिखित में से जो कथन दिए हैं उसे विचार करना है, तो यहाँ 28 के जो है कई कथन है उस पर विचार करना है और अपने ऑप्शन देने हैं, तो यहाँ पे जो कथन होगा इसका ना तो एक होगा और ना ही 2 होगा यानी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 29 का एक कृषि में संस्थागत साख का विकास करना, किसी में संस्थागत साख का विकास करना, औद्योगिक नीति 1956 के निम्नलिखित उद्देश्य थे, तो 30 का ए भारी उद्योग का विकास। क्वेश्चन नंबर 56 जो है औद्योगिक नीति के जो निम्नलिखित में से उद्देश्य थे ये यही थे।
कि भारी उद्योग का विकास करना। ये थे 30 क्वेश्चन। धन्यवाद। थैंक यू।